मध्य प्रदेश में एक तरफ तो शिक्षक भर्ती में पदों को लेकर मारामारी चल रही है और दूसरी तरफ खबर आ रही है कि प्रदेश में 70,000 से ज्यादा शिक्षकों की कमी है और सबसे ज्यादा कमी अंग्रेजी के सब्जेक्ट में है। यह जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग की रिजल्ट की चल रही समीक्षा में सामने आई है। अंग्रेजी विषय के पदों में शिक्षकों के आधे से ज्यादा पद खाली हैं। इसका परिणाम यह है कि 12वीं के रिजल्ट में अंग्रेजी ने सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की केमिस्ट्री बिगाड़ी है। दरअसल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं परीक्षा में 6,24,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इनका रिजल्ट 64.49 साल भर चली उच्च पद के फीसदी रहा है। विभाग द्वारा रिजल्ट की समीक्षा की जा रही है, जिसमें यह सामने आया है कि प्रभार के नाम पर काउंसिलिंग, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में लगी शिक्षकों की ड्यूटी के कारण स्कूलों में सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो सकी। साथ ही स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। 12वीं के रिजल्ट में सबसे ज्यादा विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में फेल हुए हैं। फिजिक्स में भी विद्यार्थियों के फेल होने की संख्या ज्यादा है। समीक्षा में यह भी सामने आया है कि प्रदेश में कुल 70,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। इसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग में अंग्रेजी और हिंदी के आधे पद खाली हैं। अंग्रेजी के स्वीकृत पदों में 5900 में से 2910 पद खाली हैं। वहीं गणित विषय में स्वीकृत पद 3700 में से 1823 पद खाली हैं। इसी तरह हिंदी में 6040 स्वीकृत पदों में से 3029 पद खाली हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि इतने पद खाली होने के बावजूद आखिर स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं कर रहा है। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।